हेलो बच्चों, तो आज की जो वीडियो है उसमें जो हम समझने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, उस लिक्विड सॉल्यूशन को हम किस तरीके से वेपर प्रेशर के साथ ऑपरेट करके देखते हैं, किस तरीके से उसको हमें पता चलता है। तो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो एक्चुअली में जो वेपर प्रेशर है उससे जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में वेपर्स बनते कैसे हैं। प्रेशर का आपको पता है एग्जर्ट होता है किसी भी चीज पे, हम फोर्स पर इंटीरियर कि हमारा कोई भी फोर्स है उसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो हम प्रेशर की बात बाद में करेंगे, हम पहले वेपर्स जानते हैं। आपने पहले पढ़ा है कि जो वेपर्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसका बोला जाता है इवोपरेशन। इवोपरेशन हमारा एक प्रोसेस है। इवोपरेशन में क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड क्या है, सब्सटेंस है। अब लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। वेपर्स में बाय द एक्शन ऑफ हीट। तो जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने ये देखा कि लिक्विड सब्सटेंस है कोई भी, अब आप उसको चीज को, कोई भी चीज है, हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें क्या बनते हैं, भाप बनते हैं। तो किसकी वजह से बने वो भाप, जब हम उसको हीट किया और हीट करने के बाद क्या बना, वेपर्स बना। ओके, तो इसको हम सिंपली ये देखते हैं कि जो वेपर्स हैं वो हमारे बनते हैं, तो इन बनने के लिए हमें किस किस चीज की नीड पड़ेगी। एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हीट होनी चाहिए। तो जो लिक्विड सब्सटेंस है वो हमारा कैसा होगा कि एक तो वो क्या हो, वोलेटाइल हो, क्या हो, वोलेटाइल सब्सटेंस हो, वो क्या हो, वोलेटाइल सब्सटेंस हो। दूसरा हमें टेम्परेचर की नीड पड़ेगी, हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर हो। तो टेम्परेचर है दूसरा वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअली हमारे इस टाइप के सब्सटेंस हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस का बोलते हैं हम कि जब कोई भी हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। अगर वो कोई भी सब्सटेंस ऐसे कोई किसी भी टाइप के सब्सटेंस है, कैसे भी सब्सटेंस क्यों ना हो, अगर वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको बोला जाता है हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वेपर्स बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंस कैसा होना चाहिए हमारे पास, वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा हमारा टेम्परेचर होना चाहिए उसका, क्लियर, हमारे पास जो टेम्परेचर हो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कि जो वेपर्स हैं वो जो फॉर्म हो रहे हैं वो एक्चुअली किस तरीके से हो रहे हैं। एक सिंपल सा आपको बता दूं कि वेपर्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। फाइनली हम टॉपिक पे आएंगे अपने पे, पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो समझा देता हूँ कि हमारे पास मान लो एक बीकर है। एक बीकर में क्या है, मान लो आपके पास लिक्विड है, क्लियर। अब इस लिक्विड में क्या है, क्या आपको पता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब क्या है, इसमें धीरे धीरे यहां पार्टिकल्स, सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बीच में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मान लो ये सारे ए टाइप पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या है, ए टाइप पार्टिकल्स हैं, यहां पे भी ए टाइप पार्टिकल्स हैं सारे। तो अब एक्चुअली क्या है कि जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं
जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं, तो ये ऑपरेशन किसका होगा? सरफेस वालों का होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो सरफेस वाले हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, बट अदर का सारे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ओनली जो सरफेस मॉलिक्यूल है ये ही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। क्लियर? तो सरफेस मॉलिक्यूल है वही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। तो यहां पे पार्टिकल्स क्या हो रहे, इवेपोरेट हो रहे, यही वाले पार्टिकल। तो हम जैसे मान लो लिक्विड ए है इस टाइप के, इजीली क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो सकते हैं। हाँ, अगर इसी को हम क्या कर दें, क्लोज्ड कर दें, इस बीकर है मान लो ये क्या है, बीकर है, इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, क्लोज कंटेनर है। पहले क्या था, ओपन था, अब क्या कर दिया इसको हमने, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, इसका मतलब अब इसके अंदर क्या है, ये पार्ट बाहर एयर नहीं जा रहा। अगर ओपन था तो वेपर्स बने, वेपर्स बने, और वेपर्स कहां चले गए, बाहर चले गए एनवायरमेंट में। पर जब ये क्लोज है तो ये क्या रहेंगे, इसी के अंदर रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हमने इसको क्या करवाया, हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, जो पानी था, जब जो भी लिक्विड था वो क्या हुआ, हीट अप हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। बट ड्यू टू क्लोज कंटेनर दैट रिमेन इन द कंटेनर, तो इट विल एग्जर्ट ए प्रेशर, इट विल एग्जर्ट ए प्रेशर ऑन अबाउट सील्ड। तो ये जो सील्ड है जिससे हम इसको बंद कर रखा, इससे इसके ऊपर क्या करेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सेम एग्जैक्टली आपको मैं सिंपल जो एक्सपेरिमेंट है वो बताऊं कि आप घर पे क्या यूज करते हो, प्रेशर कुकर यूज करते हो, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि एक्चुअली आप कोई भी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आप पका रहे होते हो, कोई भी जो भी चीज आप खाना बना रहे होते हो, उसको क्या करते हैं, आप पानी डालते हो उसमें, पानी डालते हो, जो भी सब्सटेंस पानी डाल के रखते हो, और साथ में कोई भी मेटेरियल जो भी सब्जी होती है उसको हम पकाते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर तक तो उसमें कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसमें सीटी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वो जो पानी था अंदर वो क्या हुआ, हीट अप हुआ, और हीट अप होने के बाद वो प्रेशर एग्जर्ट करा, और प्रेशर इतना एग्जर्ट कर दिया जो उसके ऊपर कैप होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो इतना प्रेशर एग्जर्ट कर देती है कि जो ऊपर उसके ऊपर कैप होती है वो कम से कम 50 ग्राम के आसपास होती है, तो उसको क्या हो जाता है, वो उठा देते हैं, यानी इतना प्रेशर एग्जर्ट कर दिया कितनी चीज को भी वो अप कर देती है। तो ये प्रेशर किसकी वजह से एग्जर्ट हुआ, जो इनसाइड वेपर्स जो बने उसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। क्लियर? तो यही है आपका वेपर प्रेशर। अब आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि आप कहो कि एक बड़ी चीज है तो उसमें प्रेशर ज्यादा बनेगा, एक छोटी चीज है तो उसमें प्रेशर कम बनेगा, या कम वाली चीज में ज्यादा बनेगा। नहीं, जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया, यानी जितनी बड़ी चीज इतना ही हमारा क्या होगा, एरिया होगा। तो ये कभी नहीं कह सकते, ये मोस्टली आपका नीट का क्वेश्चन होता है कि अगर हमने कंटेनर बड़ा है तो प्रेशर क्या ज्यादा होगा। नहीं, जो प्रेशर होता है हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करेंगे। तो जितना बड़ा हमारा साइज भी इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि बड़ा कंटेनर है तो उसे प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा, छोटा प्रेशर है तो छोटा एग्जर्ट होगा, वो सेम रहता है। क्लियर? डिपेंड करेगा सिर्फ सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना एरिया होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा। ओके, तो इसके ऊपर हम बात करें। क्लियर? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसमें आपका प्रेशर क्या होगा, मान लो हमारे पास, हमने दो लिक्विड ले लिए। आपको पता है जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास दो चीजें होती है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है।
ठीक है, सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। मान लीजिए हमने क्या लिया, सॉल्यूट ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। क्लियर, एक सॉल्यूट लिया एक सॉल्वेंट ले लिया, क्योंकि इनसे क्या बनता है, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूट मान लो हमने ए लिया, ये सॉल्वेंट हमने बी ले लिया मान लो, ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन आया, लिक्विड सॉल्यूशन आया। क्लियर, तो अब जो हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पे जो सॉल्यूट होगा वो भी वोलेटाइल होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा। ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि जो सॉल्यूट है वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है। क्लियर, तो इन दोनों को हमने जब मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास वेपर प्रेशर आया उसको बोला जाता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, तो आज हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहां पे जो लिक्विड सॉल्यूशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहीं से आपका राउल्ट्स लॉ आता है। क्या आता है, राउल्ट्स लॉ, तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।